हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड सिविल जज एग्ज़ाम, इसकी वैकेंसीज़ आ गई हैं। 16 पद हैं टोटल, 16 वैकेंसीज़ हैं टोटल, पहले ही बता देना चाहता हूं आपको। और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सारी की सारी डिटेल एक बार में ही कन्फर्म हो जाए। सिलेबस क्या है इसके बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन की फीस क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका एग्ज़ाम कंपैरेटिवली अन्य जुडिशरी एग्ज़ाम के थोड़ा सा इसमें सिलेबस जो है उतना वास्ट नहीं है जितना बाकी यूपी जुडिशरी में हमने दिया था और अन्य जुडिशरीज में हमने दिया था। उसमें कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, इसमें प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का सिलेबस उतना वास्ट नहीं है जितना बाकी अन्य जुडिशरीज में था। लेकिन साथ में एक ड्रॉबैक है कि एप्लीकेशन जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ बहुत कम हैं। तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, वो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में क्लैरिफिकेशन के लिए ये है कि किसका कब कौन सा मतलब एग्ज़ाम जो कैसे क्लियर हो जाता है इसका जो है। क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रखा है वो पीसीएसजे का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं या करने की पोजीशन में, जिन्हें पता है 100% क्योंकि क्लियर हो ही जाएगा, तो वो अननेसेसरी कि वो जो है इधर इधर वाले जुडिशरी में अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसलिए जुडिशरी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी कैंडिडेट है जिनको लग रहा है कि नहीं हाँ यार एक नंबर से रह गया, दो नंबर से रह गया, तो उनको ये जुडिशरी के एग्ज़ाम ज़रूर अटैम्प्ट करने चाहिए। सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने चाहिए। तो नोटिस को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी उत्तराखंड से हैं और इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम के लिए, वो भी ज़रूर देखें इस नोटिफिकेशंस को, ताकि सारी डिटेल आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। क्या है फीस, क्या है एग्ज़ाम की पूरी डिटेल, हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके, जो भी फ्यूचर नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। जितनी भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मैं डालता हूं लगातार, काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद इसमें जॉब की नोटिफिकेशंस आती हैं। जैसे एक इस जुडिशियरी के अलावा एक और नोटिफिकेशन है मेरे पास, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए, जो भी अपने एडवोकेट प्रोफेशन में है, जिन्हें 1 या 2 साल का अनुभव है, उनके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सारी ओपनिंग्स का, इन सारी डिटेल का। बने रहिए वीडियो में एंड तक, और साथ में अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्या है वैकेंसी की डिटेल, जानते हैं डिटेल में यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की जो वैकेंसी है, यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन की जो तिथि है वो 1 मार्च 2023, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, अंतिम तिथि जो है 21 मार्च 2023 है, ठीक है। तो 21 मार्च तक आप एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड पे भर सकते हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो है इसमें इससे रिलेटेड है कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम की जो टोटल पोजीशन कितनी है, यानी कि कितनी सीटें हैं इसमें। तो कुल 16 सीटें हैं इसमें, जिसमें से 7 सीट जो हैं अनरिजर्वड हैं, 4 सीटें जो हैं एससी कैंडिडेट और 1 सीट एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 3 सीटें ओबीसी कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इन 7 में से दो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीट है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आएगा कि अनारक्षित सीटों में से मतलब 5 जो है वो तो जनरल सिलेक्शन होंगे और 2 में महिलाओं का सिलेक्शन होगा। अनुसूचित जाति यानी कि एससी में भी 4 में से 1 जो है महिला की सीट है और एसटी में कुछ नहीं है। इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 3 सीटें में से 1 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। दिव्यांग के लिए 1 पद है सब मिला के, ठीक है। तो ये है यहाँ पर स्थिति। और जो कंपनसेशन है, जो वेतन है, वो आपके सामने है, शासनादेश संख्या लिखा हुआ है 8 सितंबर 2022 का। और ये जो वेतन है वो 1,36,520 पर मंथ के हिसाब से जाएगा। और ये तो आपका मतलब वेतन है, बाकी अन्य सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लें, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि LLB आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, लाइक भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया होना चाहिए।
अब इसमें मस्ट पॉजेस थ्रू द नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको हिंदी की नॉलेज जरूरी है, ये कंपलसरी है, कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। अब इसमें देखते हैं कि हमारे एज कि क्या क्राइटेरिया है, तो एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से होगी और 35 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु में जो छूट दी गई है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन जो ऊपर दिया गया उस हिसाब से आपको आयु में छूट मिलेगी। और उसके लिए जो है विभिन्न श्रेणी उप श्रेणी होती निम्न नियमावली दी गई है उसके हिसाब से आयु में छूट मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से। ये जो है इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, कैरेक्टर वैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये तो खैर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में जाते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो psc.uk.government.in इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके या ukpsc.net.in पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा दूँगा रजिस्ट्रेशन ओपन करके आपको, ठीक है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए सारी डिटेल दी गई है। अब हम मेन पार्ट में आ जाते हैं, जो इसमें ये तो फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है ये बताया गया, मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्म। यहाँ से जो है ukpsc.net.in वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके क्लिक हियर टू अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसकी ओपनिंग डेट 1 मार्च है और लास्ट डेट 21 मार्च 2023 दी गई है। एप्लीकेशन जो है ये 20 दिन तक एक्टिव रहेगा। आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशनल, नेशनलिटी, डोमिसाइल, ये सब आपको डिटेल डालनी है और डालने के बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में जीके आएगी पार्ट वन में। जीके में देखो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कवर किया जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से आपने पढ़ा ही है लॉ के सब्जेक्ट में, उसको और अच्छे से पढ़ लो। और उसके साथ में आपको जो है एक और चीज़ करनी है, आपको जो है करंट अफेयर्स ही खाली तैयार करने हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा खास है नहीं। ज़्यादातर आपका जो है करंट जीके ही पूछी जाती है। इट विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड द इंडिया एंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द लीगल शेप। लाइक अगर आपको लीगल स्पेयर्स की नॉलेज, जितनी भी जीके लीगल स्पेयर से रिलेटेड है, जैसे कि अभी इसकी G20 की समिति हुई या फिर ये जिनेवा आयोग है या फिर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जलवायु परिवर्तन है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप ज़रूर देख लें, जो भी करंट सिनारियोज से लिंक करते हुए। तो क्वेश्चन में भी रिलेट मेनली टू द इंटरनेशनल लॉ, जैसा मैंने बता ही दिया है, एंड नेचुरैलिटी, रिसेंट लेजिस्लेशंस क्या हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, जो मतलब आपको अननेसेसरी के सब्जेक्ट में दिमाग नहीं लगाने, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आपको नहीं देखना है, आपको जो है करंट जीके पर ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान रखना है, लॉ के जो डेवलपमेंट हुए हैं, लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उन पर ध्यान रखना है। तो ये आपका पार्ट वन ही इससे कवर हो जाएगा। पार्ट टू में भी सिलेबस इसका कम है एज कम्पेयर टू अदर जुडिशरी। इसमें देखो TPA आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, फैमिली लॉ मतलब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आएगा, और IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट और CPC, यही सब्जेक्ट आएंगे प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। देखो ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ना पड़ता है, ये सब सब्जेक्ट जो है इन्होंने बाइफर्केट कर दिए हैं। तो अभी फिलहाल जो आपका सिलेबस है प्रीलिम्स का वो भी इतना ज़्यादा वास्ट नहीं दे रखा है, तो आप इसमें अच्छे से अपनी कमांड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें अप्लाई करना चाहिए इस फॉर्म के लिए। तो ये सारी डिटेल है वैकेंसीज से रिलेटेड और सिलेबस वाइज आपका क्या प्रीलिम्स का सिलेबस होगा। अब आते हैं सिलेबस में कि कितने नंबर का क्या आता है। तो ये देखिए इसमें मैंने यहाँ पे भी ओपन किया है, सेम चीज़ है। इसमें क्या है 50 मार्क्स का जो है वो पार्ट वन आएगा और 150 मार्क्स का आपका पार्ट टू आएगा।
तो आपका टोटल मार्क्स जो है 200 का पेपर होगा और उसमें से 50 का पार्ट वन आएगा, 151 मार्क्स का पार्ट टू आएगा, निगेटिव मार्किंग इसमें होगी। तो इसलिए आपको जो है काफ़ी अच्छे से अपना एग्ज़ाम देखना है और इसमें स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। बड़ा कट ऑफ का टेंशन रहता है आप लोगों को, तो सबसे पहले एग्ज़ाम का टेंशन लीजिए। कट ऑफ की हम नोटिफिकेशन तो जारी करते ही हैं, अलग से करेंगे इसके लिए, तो अभी से कोई जारी करने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। इसके बाद जो है जो मेन एग्जामिनेशन होगा रिटेन, उसके बाद फिर इंटरव्यू एग्ज़ाम होगा। तो ये प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, मेन का सब्जेक्ट जो है वो इस तरह से है, लैंग्वेज पेपर वन सब्सटेंटिव लॉ है, पेपर टू जो है एविडेंस एंड प्रोसीजर है, पेपर थ्री तुम्हारा रेवेन्यू एंड क्रिमिनल है, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रैक्टिस एग्जाम 100 में मार्क्स का आएगा, एंड वाइवा आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पेपर है काफ़ी वास्ट है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम और प्रेजेंट डे क्या क्या सिलेबस है, लैंग्वेज का क्या सिलेबस है, ये सब्जेक्टिव की हम टेंशन बाद में लेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस ऑब्जेक्टिव ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी इसमें सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो अच्छी से तैयारी, जिनकी काफ़ी शार्प है, अच्छी है, तो वो सब्जेक्टिव पे ही फोकस करके स्टार्टिंग से ही चलते हैं, तो उनके लिए कि वो अपना सब्जेक्टिव का दे सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो जिनको भी कोई समस्या है वो जाके सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना लिंक ओपन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द उत्तराखंड पीएससी वैकेंसी, और आगे की वैकेंसीज़ के लिए फर्दर जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको फर्दर जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो एज सून एज अवेलेबल कराते रहेंगे। जो एक फर्दर नोटिफिकेशन है वैकेंसीज़ के लिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं कुछ, जो उसमें उसमें जो फ़ी है एग्ज़ाम फ़ी जो है वो वगैरह नहीं लगती, आप डायरेक्ट अपना सीवी भेज करके भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसी वैकेंसीज़ भी इस चैनल पे लगातार बताई जाती हैं, तो फिर उनके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अभी आई हुई है रिक्रूटमेंट की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हाँ, ये दैट इज़ लाइक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये sflc.in है, उसको मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में बताता हूँ। ये दिल्ली से रिलेटेड वैकेंसी, जो दिल्ली वगैरह से बिलोंग करते हैं वो अपने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैकेंसीज जो है मैं अभी इस नोटिफिकेशन के बाद आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कि क्या है ये वैकेंसी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बने रहिए इस चैनल पे, काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।